हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल लौकी की बर्फी। तो सबसे पहले हम आधा किलो लौकी ले लेंगे। लौकी को छील लेंगे अच्छे से। अब हम लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। आज ये रेसिपी मैं आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाना बताऊंगी और बहुत ही इजी रेसिपी बताऊंगी, तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी रेसिपी। तो लौकी को कद्दूकस कर लिया है, अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे लौकी को। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें लौकी डालेंगे। लौकी को हम लो फ्लेम पर पकने देंगे जिससे कि लौकी का एक्स्ट्रा पानी बर्न हो जाए। अब हम लौकी में 2 कप दूध डालेंगे। दूध धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डालेंगे। लौकी को दूध में ही पकाना है अच्छे से। अब हम इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। अब कंटिन्यूसली हिलाना है, नहीं तो मिल्क पाउडर के लम्स बन जाएंगे और लौकी की बर्फी अच्छी नहीं बनेगी। और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और जन्माष्टमी की व्रत स्पेशल रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे। इसमें 5 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। जिस किसी को भी लौकी खाना पसंद नहीं है तो एक बार लौकी की बर्फी बनाकर भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर और कमेंट करके बताइए कैसी लगी रेसिपी है। ये देखिए फ्रेंड्स, लौकी को हम बिल्कुल ड्राई होने तक पकाएंगे। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एक कंटेनर ले लेंगे, उसमें बटर पेपर लगाकर हम लौकी की बर्फी को रख देंगे सेट करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से सेट करना है लौकी की बर्फी को। मैं जिस तरीके से दबा करके सेट कर रही हूँ उस तरीके से। अब हम इसके ऊपर चॉप्ड बादाम डालेंगे गार्निशिंग के लिए। अब हम इसे 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए। और 1-2 घंटे के बाद में बर्फी सेट हो चुकी है। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे सर्व करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी है लौकी की बर्फी बन करके। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ एंड स्टे कनेक्टेड।